लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रसाद जी, मुझे मालूम है कांग्रेस की स्वर्ण जयंती रिपोर्ट लंदन पहुंची, उसके फलस्वरूप उन्होंने हमारी मांगे मानते हुए गुलाम भारत में पहली सरकार बनाने का रास्ता खोल दिया है। और हाँ, मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तमाम फैसलों का अधिकार उन्हीं के हाथ में होगा, लेकिन फिर भी उनका हाँ कहना ही हमारे लिए एक नई शुरुआत है। बिल्कुल सही है, आप कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से हैं और सभी आपको प्यार करते हैं। आने वाले इलेक्शन में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। बिल्कुल, और सभी ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करें। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आप जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। धन्यवाद। आइए। राजेंद्र, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपका काम सराहनीय है। बापू, ये सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। आप नीलकंठ हो मेरे। सारे विष पीकर अपने देश को आजाद करवाना होगा। लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया आपने राजेंद्र बाबू। क्या पंत जी? हमारे कांग्रेस में अपना स्थायी कार्यालय नहीं था, ये सिर्फ आपके प्रयास से ही संभव हो सका है। इसमें तो विजय जी और भाई नेहरू ने सहयोग दिया है। प्रसाद जी, स्वराज भवन का जिस तरह से आपने उपयोग किया है वो बड़ा सराहनीय है। प्रसाद जी, बापू आपको ऐसे ही नीलकंठ नहीं कहते। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपका पहला ही भाषण ऐसा था जो सबको समान रूप से सही रास्ता दिखाने वाला था। हाँ बापू, प्रसाद जी के भाषण के बाद नरम और गरम दोनों ही दलों के लोग भाषण को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। मैं समझता हूँ भले ही गरम दल वाले सिद्धांत की वजह से हमसे मतभेद रखते हों, लेकिन हम सबको मिलकर इकट्ठे काम करना है। हम अपने प्रयास में तभी सफल होंगे जब हम सब एक हों। ये आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम आपस में मतभेद रखेंगे तो बाहर के लोग हमें कमजोर समझेंगे। जी। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाए। बापू, आपकी प्रार्थना का समय हो गया है। इंदु मेरे हर नियम को याद रखती है। बापूजी प्रणाम। जीते रहो, नमस्ते। 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 आइए। आपके शिष्य लाल बहादुर शास्त्री बहुत कर्मठ हैं। नेहरू जी भी बहुत तारीफ करते हैं उनकी। हाँ, मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि अब उसे बड़ी जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया। जी। मैं चाहता हूँ कि लाल बहादुर इलाहाबाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें। अरे, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। पंत जी, आप लाल को चुनाव लड़ने के लिए मनाइए, वो आपका बहुत आदर करता है, आपकी बात नहीं डालेगा। वो युवा है और देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। आज देश को ऐसे युवा और कर्मठ नेताओं की सख्त आवश्यकता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रसाद जी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। नमस्कार विजया जी।
नमस्कार, बैठिए लाल जी। आपने मुझे याद किया, कोई गंभीर बात? बात भले ही गंभीर ना हो, लेकिन देश की परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि जब तक देश आजाद नहीं होता वो गंभीर ही रहेंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लाल जी, आपको शायद पता हो, देश में जल्द पहले आम चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता और श्री राजेंद्र प्रसाद भी चाहते हैं कि आप इस चुनाव का एक हिस्सा बने। किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं जानती हूं कि आपने चुनाव ना लड़ने का कठिन प्रण लिया था, लेकिन इस गुलाम भारत में जो एक इस चुनाव के रूप में छोटी किंतु सुनहरी आस दिख रही है, हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पंत जी, नेहरू भाई ने भी राजेंद्र बाबू की इस बात का समर्थन किया है, और फिर आप ये बात भी तो सोचिए कि इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा सदस्य जीत कर पहुंचेंगे, तो हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। तो ठीक है, जब आप सब ये चाहते हैं तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूं। लाल जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बापू, वर्धा में जो बैठक हुई है उससे लोगों में बेचैनी बढ़ी है। मैं समझता हूं। अब समय आ गया है बापू कि हम लोगों को एक कड़ा संदेश दें। अब पानी सर से ऊपर चला गए हैं। हाँ बापू, पूरा देश आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। अब तो करना है या मरना है। अपने देश की आजादी के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब हमारा नारा होगा, करो या मरो, और साथ ही अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने जो आह्वान किया है उसने पूरे देश में एक अलख जगा दी है। बापू ने जो करो या मरो का नारा दिया है, हमें उसी रास्ते पर चलना होगा। मैं जानती हूं कि बंबई अधिवेशन के बाद हमारे ज्यादातर नेता जेलों में बंद हैं, और ब्रिटिश पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में हमारे हजारों लोग शहीद हो गए हैं। हम अपनी लड़ाई अहिंसात्मक रूप से जारी रखेंगे। इसके एवज में हमें जो भी कुर्बानी देनी हो उसके लिए तैयार रहना। Ma'am, you are under arrest. अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। Thank you.
आपको गिरफ्तार किया जाता है। हमें लगता है कि जब तक एक एक व्यक्ति का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक अंग्रेजों को यहां से भगाना संभव नहीं है। हमें हर तरह से सरकारी तंत्र का सहयोग करने से बचना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और अरे लाल, दरोगा इधर आ रहा है। आप लोग शांत रहें, मैं देखता हूँ। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार, कहिए, कैसे आना हुआ? बस शांति बने रहे इसलिए चक्कर काटने पड़ते हैं जी। तो कहिए जनाब, कब तक आपका बाहर रहने का इरादा है? जब तक आपकी मेहरबानी रहे। तो आज ही चलिए, ये रहा आपका गिरफ्तारी नामा, इसे रहने दीजिए। चलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश के पहले राष्ट्रपति बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? इतिहास के इस अहम मौके पर मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके योगदान से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जीत बड़े लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हमें मिली है, जिसमें न जाने कितने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए या अपनी जिंदगी जेलों और इस संघर्ष में गुजार दी। मैं अपनी भक्ति और श्रद्धा महात्मा गांधी जी को समर्पित करता हूँ, जिनके दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन की वजह से आज हम सुखद और आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का एक अचूक हथियार दिया है, अब हमें नए भारत का निर्माण करना है जिसमें भय, दुख और गरीबी ना हो। गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हमें अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाना है। जय हिंद। तुम्हें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है ना? वो तो है। तो हम लखनऊ चलेंगे। क्या? यहाँ तो खर्चा चलता नहीं, लखनऊ में कैसे चलाएंगे? पंत जी ने हमें बुलाया है, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। सच? तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ लाल, आजादी के बाद हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम प्रदेश की समस्याओं को एक एक करके सुलझाएं। सर, हमारे सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, कृषि और शिक्षा। इसके बिना हम प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिस देश के किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी वो देश आत्मनिर्भर कभी हो ही नहीं सकता। खैर, सीबी गुप्ता के साथ संसदीय सचिव में तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसी के फलस्वरूप तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी लाल कि पुलिस और परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग तुम्हें सौंपा जा रहा है। पंत जी, मैं आपको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। आप जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे मैं उसे पूरे मन से निभाऊंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी लाल, जीते रहो। मैं ये मानता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई घटना में पुलिस ने बड़े ही साहस का परिचय दिया,
और छात्रों के उग्र होने पर भी पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया। हम ये बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है अंग्रेजों वाली अफसर शाही को छोड़कर एक सहयोग वाली पुलिस का चेहरा सामने लाया जाए। धन्यवाद। राजेंद्र बाबू, आप किस सोच में डूबे हैं? मैं जानता हूं आपने अकारण ही मुझे दिल्ली नहीं बुलाया होगा। आज मेरे मन में कई बातें हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। बापू मुझे नीलकंठ कहा करते थे। आज मुझे बापू की बड़ी याद आ रही है। वो सबको एक साथ कर लिया करते थे, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो। लाल, ये तो तुम जानते ही हो, देश की आजादी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा, और अब देश आजाद होने पर हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि देश की प्रगति के लिए हर वो मुमकिन रास्ता अपनाएं जो जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा मालूम होता है आप किसी बात से दुखी हैं। लाल, तुम्हें तो ज्ञात ही है पंत जी और नेहरू भाई दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं, पर दोनों में काफी मतभेद है। हाँ, इधर दोनों में मतभेद भी काफी उग्र हो गए हैं। हाँ, इसी का नतीजा है कि पंत जी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद त्याग दिया और नेहरू जी नए अध्यक्ष बन गए। मैं स्वयं ये जानकर बेहद आहत हूँ। मैं जानता हूँ दोनों ही देश की भलाई चाहते हैं। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि सबको लगे आजादी के बाद हम सबकी एकता खत्म हो गई और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। नेहरू भाई के अध्यक्ष बनने के बाद अब ये सवाल उठता है के कांग्रेस का महामंत्री कौन बने। बीसी रॉय और हमारी सबकी यही राय है कि इस पद के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। तुमने नेहरू भाई और पंत जी दोनों के साथ काम किया है और दोनों तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप केंद्र में क्यों नहीं आना चाहते हैं, पर आप यहां रहकर अपने देश के विकास में ज्यादा योगदान दे सकते हैं। लेकिन मैं गांव का आदमी हूं और किसानों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन आज आपकी आवश्यकता किसान भाइयों के साथ देश के हर वर्ग को है। कहीं आपकी चिंता का कारण पंत और टंडन जी तो नहीं? नहीं नहीं नेहरू जी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि ऐसी अफवाह है कि आप दोनों में वैचारिक मतभेद हैं, परंतु टंडन जी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। इस देश को आगे ले जाने के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। वैसे पंत जी कैसे हैं? अच्छे हैं वो, हमेशा आपसे जुड़ी हुई संगठन की बातें याद करते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा पंडित जी, आज्ञा दीजिए, आपने जो मुझे दिल्ली आने की जिम्मेदारी सौंपी है उस पर मैं अवश्य विचार करूंगा। नमस्ते। मैं तो सोचता था कि पंत जी मेरे विचारों की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। खैर, जो भी हो,
मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा।